मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात प्रदेश में सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी की। नौगांव विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अशफाक अली खान ने साइकिल रैली के माध्यम से भारी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को कराया। नौगांव सादात में विधायक अशफाक अली खान द्वारा आयोजित रैली में भारी संख्या में लोग साइकिलों पर सवार होकर पहुंचे थे। साइकिल रैली के बाद भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए नौगांव विधायक अशफाक अली खान ने कहा कि सरकार ने इन 4 सालों में हर वर्ग का विकास किया है और सपा सरकार में गरीबों मजलूमों को न्याय मिला है। यही वजह है कि प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में शानदार वापसी करेगी। इस मौके पर भारी संख्या में नौगांव विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट फॉर्मेस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद है नौगांव विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अशफाक अली खान। हाईकमान द्वारा साइकिल रैली का अपने क्षेत्र में निकालने का क्या उद्देश्य है, इस बारे में हमने उनसे बात की, आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। अशफाक अली खान जी, मैं जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के हाईकमान द्वारा साइकिल रैली का पूरे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी इस रैली के जरिए क्या उद्देश्य जनता के लिए देना चाहती है? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और पार्टी नेतृत्व ने बैठकर ये फैसला लिया कि हमारी हुकूमत उत्तर प्रदेश में 4 साल से बखूबी और बड़ी काबिलियत के साथ चल रही है। लोगों को जनमानस तक हमने बहुत काम किए हैं, तो उनका पैगाम, क्योंकि जो दूसरी पार्टियाँ हैं, दूसरे दल हैं, उन लोगों के पास तरह तरह के ऐसे भी साधन वो जुटाते हैं किन्हीं लोगों से, लेकिन हमारी पार्टी गाँवों की और शहर से जुड़ी हुई पार्टी है, तो हमारे पास संसाधन हम लोग समझते हैं सीमित हैं। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हम सब नेताओं को ये कहा है कि हम क्षेत्र में जाएं और जो मौजूदा विधायक है उनकी जिम्मेदारी बनती है, संगठन की जिम्मेदारी बनती है, वो पैगाम लेकर हम अपनी सरकार की खूबियां लेकर आवाम के बीच गए और पहली तारीख से लेकर 10 तक चलाने का आह्वान है। और आज मेरे क्षेत्र की नौगांव सादात विधानसभा क्षेत्र की मुख्य रैली थी, जिसमें पूरे निर्वाचन क्षेत्र से जो करीब 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती है चारों ओर, वहाँ से सब लोग आए हैं और बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग साइकिल से मेरे कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी नीतियों को आवाज़ देकर लोगों तक पहुँचाने के लिए आए हैं। बड़ा जनसाना, बड़ा समूह, जन समूह आया है हमारे नेता के खूबियों को सुनने के लिए। 2017 में विधानसभा का चुनाव है पूरे प्रदेश में, ऐसे में माना जाएगा कि ये रैली जो है अपनी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस उद्देश्य से ये रैली निकाली गई है, और 2017 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सतर्क हैं और मिशन 2017 की तैयारियों में जुट गए हैं, ऐसे में सभी पार्टियाँ भी सतर्क हैं और समाजवादी पार्टी भी अपना लक्ष्य 2017 को मान करके चल रही है, पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी कि ताकि फिर से दोबारा सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बना सके? कहो दिल से अखिलेश फिर से, ये युवाओं का नारा है, युवाओं की आवाज़ है। हम जनता के बीच जा रहे हैं अपने काम लेकर, अपना विकास लेकर, अपने नेता की नीतियां लेकर, समाजवादी पार्टी की इंसाफ परस्त नीति को लेकर। 4 साल में किसी के साथ जुल्म नहीं किया गया है और कोई ऐसा घर नहीं बचा है, शहर हो या गांव हो, कि जिसको सरकार की नीतियों का लाभ ना पहुँचा हो। बात सच्चाई तो ये है, मैं काम के बदले वोट की बात तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को खड़े होने के लिए हर जगह प्लेटफॉर्म मिलेगा और लोग सम्मान से उसको बिठाएंगे। पार्टी ने जो काम किया है हम उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। रही बात मिशन 2017, हम ईश्वरवादी हैं, इंशाल्लाह हमारी सरकार फिर बनेगी, बड़ी तादाद में हम लोग जीत कर आएंगे। नौगांव विधानसभा की अगर बात करें तो 4 साल आपका कार्यकाल हो चुके हैं, आपको विधायक बने हुए। नौगांव विधानसभा एक गांवों की बस्ती है, अधिकतर ग्रामीण लोग इसमें वोटर हैं, मतदाता हैं, उन लोगों के लिए इन 4 साल में आपने क्या कार्य किए हैं, क्या विकास कार्य आपके रहे हैं इन 4 सालों में, मैं जानना चाहूँगा। जहाँ तक नौगांव सादात विधानसभा क्षेत्र का है, ये 5 निर्वाचन क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा काट कर बनाया गया और दूर दराज गाँवों की विधानसभा है। शिक्षा की कमी थी, उस क्षेत्र में बड़ा काम किया है हमने। 5 अपग्रेडेशन में जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल बनवाया है। गजस्थल में 3 करोड़ से ज़्यादा लागत का मॉडल इंटर कॉलेज बनवाया है। मिठनपुर में 1.67 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा एक स्कूल बनवाया है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी हमने आमंत्रित किया, कई डिग्री कॉलेज हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया है, बिजली के क्षेत्र में हमने इतना बड़ा काम किया है कि आप जानकारी ले सकते हैं, निर्वाचन क्षेत्र नौगांव सादात में कोई गांव ऐसा अछूता नहीं बचा है जहां आज प्रदेश की रोशनी, प्रदेश की तरफ से लाइट न जाती हो। विकास के काम में पीडब्ल्यूडी
और सारे समस्त संसाधनों से मिलाकर करीब 450 करोड़ की सड़कें बनवाई गई हैं, रिन्यूअल किया गया है, एसआर में मरम्मत हुई है और क्षेत्र की बहुत बड़ी मैं सड़कें बताना चाहूँगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था अमरोहा से नौगावां जाते हुए करीब 1 घंटे का सफ़र में धड़ धड़ गाड़ियाँ टूट जाती थी, आज आप जाएंगे तो डिवाइडर के साथ बहुत बड़ी सड़क करीब 20 करोड़ की लागत से बनी है। अमरोहा से आप धनौरा से नौगावां की तरफ जब बढ़ते थे रास्ता नहीं था, लेकिन आज आप सड़क देखेंगे तो नौगावां से धनौरा की तरफ बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया सड़क बनी है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी सड़क मेरे क्षेत्र में बड़ी दिक्कत थी, नहर से लेकर चकछावी तक बहुत बड़ा इलाका है, करीब 7 करोड़ की लागत से बहुत बड़ी आपकी माननीय मुख्यमंत्री त्वरित विकास योजना के तहत सड़क बनी है। एक बहुत ही पौराणिक यहाँ पर धार्मिक स्थल है गजस्थल में, बहुत बड़ा मंदिर है, वो सड़क आज़ादी से लेकर आज तक नहीं बनी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया, 4 करोड़ से ज़्यादा की लागत की सड़क बनी है, हज़ारों नल लगे हैं और हज़ारों मजदूरों को साइकिलें मिली हैं, बड़ी तादाद में समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, बहुत बड़ा काम किया गया है। नगाँव विधानसभा की अगर हम बात करें तो आप जब चुनाव इसका लड़ रहे थे नगाँव विधानसभा के MLA के पद का, तब आपने एक महत्वपूर्ण जनता से वादा किया था नगाँवा को तहसील का दर्जा दिलाने के लिए। पिछले दिनों अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आए थे, उन्होंने कहा भी था पत्रकार वार्ता में कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा, बट उसकी प्रक्रिया चलती है लेकिन फिर भी रुक जाती है। क्या ये माना जाए कि इसी कार्यकाल में सरकार के नगाँवा को तहसील का दर्जा प्राप्त हो सकता है? जहाँ तक तहसील की बात है ये सच है, हमने चुनाव में जब शुरुआत थी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और आज के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने उस वक्त हमारे अनुरोध पर कहा था कि यकीनन हम नौगावां को तहसील बनाएंगे, उस क्षेत्र में प्रयास किया और पूरा नक्शा बनकर पूरा मॉडल बनकर राजस्व परिषद से पास हो गया, अब कैबिनेट में उसको रखा जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत अच्छी हाईटेक तहसील बनाई जाएगी, उसके आप भी गवाह हैं, आपसे भी कहा था, और यकीनन बहुत जल्दी कैबिनेट में पास हो जाएगी क्योंकि नई राजस्व संहिता बनाई गई है, बहुत ही अच्छी एक कानून व्यवस्था राजस्व परिषद में पैदा की गई है हमारी पार्टी द्वारा, उसके तहत जब उसमें रखी जाएगी आपके कैबिनेट में तो उसके बाद 45 दिन का टाइम रहता है, उसमें कुछ संशोधन का विषय है, यकीनन बहुत जल्द नौगांव को तहसील का दर्जा मिल जाएगा। ये थे नौगांव विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अशफाक अली खान, जो कि दावा कर रहे हैं कि 2017 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ शानदार वापसी सत्ता में करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट फॉर्मिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।